नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 25 जो कि है पार्लियामेंट्री ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, ये जो फॉरम लिखा हुआ है ये गलत है। ये जो था चैप्टर नंबर 24 था पार्लियामेंट्री फॉरम। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में। आपके लक्ष्मीकांत बुक में चैप्टर नंबर 25 पार्लियामेंट्री ग्रुप ही लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअली में पीडीएफ में कुछ गलती है। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर ये पार्लियामेंट्री ग्रुप होता क्या है, कब आया। तो देखिए, एम एन कॉल और एस एल सकदर, ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, आईपीजी जो है वो क्या है। तो देखिए, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है ये मदद करता है, किस मदद करता है कि किस तरीके से अच्छे रिलेशन और जो दूसरे देशों के जो पार्लियामेंट्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनके साथ किस तरीके से अच्छे से रिलेशंस इस्टेब्लिश हो पाए, रिलेशन का डेवलपमेंट हो पाए, साथ ही साथ अपने यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके बीच किस तरीके से रिलेशन डेवलप हो पाए। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। जो इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशन है वो काफ़ी सालों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है पार्लियामेंट्रियन के लिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए जिस तरीके से अब हम जो भी सभी देश जो हैं एक तरीके से ग्लोबली वर्क करते हैं, क्योंकि देखिए आपको ही पता है, जैसे अगर इन्वायरमेंट की ही बात करें जैसे आप लिखा हुआ है, तो या फिर इकोनॉमिक्स की बात करें, तो हर एक देश एक दूसरे देश पे, हर एक देश हर एक कंट्री एक दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इस वजह से जो है ये जो इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है रिसेंट ईयर्स में। ठीक दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो अगर मान इकोनॉमिक्स की बात करें, तो आपको ही पता है आजकल जो ट्रेड होता है वो ट्रेड कई देशों के बीच में, मतलब कोई देश इंपोर्ट कर रहा है तो कोई देश एक्सपोर्ट कर रहा है, सभी का ट्रेड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उन्हीं इन्होंने यही कहा है कि जो आईपीजी है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, इसका काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान है हमारे देश में। चलिए आगे बात करें, जो इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशन है उसका आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम जो कि विश्व में वर्ल्ड में उठते हैं या फिर आते हैं, उनको किस तरीके से उस प्रॉब्लम को कर्व किया जाए, किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से उस प्रॉब्लम का हल ढूंढा जाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब देखिए ऐसा क्यों, मान लीजिए कि जैसे अभी अगर आज के डेट में कोई प्रॉब्लम किसी एक पार्लियामेंट किसी एक देश के पार्लियामेंट के सामने आई, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम कल को दूसरे देश के पार्लियामेंट के सामने आ जाए। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितने भी पार्लियामेंट हैं वर्ल्ड के, उनको एक दूसरे से लिंक करके रखें और उन सबके बीच में अच्छे से डिस्कशन हो कि किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को कर्व किया जाए। अब देखिए दोस्तों, जो लिंक है इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये इंडिया के द्वारा जो मेंटेन किया गया, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे कि अपने डेलीगेशन भेजते हैं, अपने गुडविल मिशन भेजते हैं, करस्पॉन्डेंट डॉक्यूमेंट, या फिर जो फॉरेन पार्लियामेंट है उनके मशीनरी किस तरीके से है, मतलब सभी ये सभी चीज़ें एक्सचेंज की जाती हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है आईपीजी जो है वो एक तरीके से नेशनल ग्रुप के तौर पर भी काम करती है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में, साथ ही साथ एक इंडिया के एक ब्रांच के तरीके से बात काम करती है। कहाँ पे, जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। अब कॉमनवेल्थ मतलब जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो कंट्री जहाँ पे ब्रिटेन ने राज किया था, अपना हुकूमत किया था, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ वही कंट्रीज, और भी कंट्रीज हैं जहाँ जो कभी ब्रिटेन के गुलाम नहीं बने, वो भी कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसमें क्या है, वो कंट्री जहाँ पे ब्रिटेन ने कभी रूल किया था, तो उन देशों के पार्लियामेंट में, अब जो पार्लियामेंट का जो एसोसिएशन जो होगा, जब भी उन सभी देश के पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो जब मिलेंगे, तो ये जो आईपीजी है, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है, एक तरीके से इंडिया का क्या, इंडिया का नेतृत्व करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे, सीपीए में, साथ ही साथ एक नेशनल ग्रुप के तौर तरीके से भी काम करता है कहाँ पे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में। ठीक दोस्तों, अब देखिए बात करेंगे कि कंपोजिशन किस तरीके से होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, आईपीजी मतलब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो देखिए दोस्तों, जो आईपीजी है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कब बना था, 1949 में। ठीक है, अब कैसे बना था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक मोशन चलाया जो कि अडॉप्ट किया गया, तो आईपीजी बनाया गया।
ठीक दोस्तों, अब देखिए मैं आईपीजी ही बोलूंगा, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप नहीं बोलूंगा। आप ये समझिए कि आईपीजी का मतलब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को ही मैं कह रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो मेंबरशिप होती है आईपीजी के लिए, वो सभी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन सबके लिए खुली हुई रहती है। यहाँ तक कि जो फॉर्मर मेंबर, मतलब कि जो कभी पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कोई एमपी थे लेकिन अभी फिलहाल में नहीं है एमपी, मतलब फॉर्मर एमपी थे, वो पहले एमपी थे, तो वो लोग भी आईपीजी के एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो फॉर्मर एमपी हैं, जो एसोसिएट मेंबर जो बन रहे हैं, इनके पास एक लिमिटेड राइट रहेगा, मतलब कि उतना ज़्यादा अधिकार इनको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कि कोई अगर कॉन्फ्रेंस हो रहा है आईपीयू का, तो उसमें इनको रिप्रेजेंटेशन के तौर पे नहीं देखा जाएगा, ठीक है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अटेंड करेंगे मीटिंग को, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इनको नहीं गिना जाएगा, चाहे आईपीयू का हो रहा हो या फिर चाहे सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का हो रहा हो। और ये जो एसोसिएट मेंबर हैं, जो फॉर्मर पार्लियामेंट्री ग्रुप मेंबर हैं, उनको जो है मान ली, जो भी जैसे इनको जाने का मान ली कहीं और किसी और देश में, जब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जब मीटिंग जब होगी, तो पैसे खर्च होंगे, तो ट्रैवल का कंसेशन जो, मतलब मान ली जो पैसे जो लगेंगे आने जाने में, एयर टिकट का जो किराया जो लगेगा, तो उसमें भी कोई कंसेशन इनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो आईपीजी के जो मेंबर हैं, जो कि अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ये सभी राइट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। जो स्पीकर रहता है लोकसभा का, वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है हमारे आईपीजी का, हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। और जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, वो क्या है, वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट है आईपीजी के, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। अब देखिए, आपको यहाँ समझ में, चेयरमैन क्यों नहीं है, तो देखिए चेयरमैन जो है हमारा पार्लियामेंट का, चेयरमैन मतलब कौन हो गया, राज्यसभा का चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब देखिए, जो सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा का, वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल रहता है आईपीजी का, इस ग्रुप का। अब बात दोस्तों करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है एम, क्या है इस ग्रुप का, उसके बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये जो ग्रुप है आईपीजी, ये प्रमोट करता है पर्सनल कांटेक्ट बनाने में, जो भी इंडिया के जो पार्लियामेंट है, उन इंडिया के पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे यहाँ पे, उनके बीच में पर्सनल कांटेक्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए जो भी काम काज करने हैं, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के सामने रखा जाए, उसके लिए फिर ये लोग सेमिनार भी अरेंज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिससे कि, तो इससे किसके द्वारा करते हैं, आईपीजी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के ही द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो आईपीजी है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, और क्या करती है, ये लेक्चर्स अरेंज करती है, जैसे कि पॉलिटिकल लेक्चर्स, डिफेंस पे लेक्चर, इकोनॉमिक पे लेक्चर, जो देश की इकोनॉमिक चल रही, सोशल लेक्चर, या फिर एजुकेशनल प्रॉब्लम के लिए कोई लेक्चर, मतलब इन सभी प्रॉब्लम के लिए किस तरीके से हम इनको कर्व करें, उसके लिए भी यहाँ पे डिस्कशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और क्या काम है आईपीजी का, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। तो देखिए, जब भी मान लीजिए जो फॉरेन कंट्री, जो बाहर के जो देश हैं, वहाँ के पार्लियामेंट्रियन से, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर हमको उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट बनाने हैं, अपने संपर्क बनाने हैं, अपनी दोस्ती करनी है, तो आईपीजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आईपीजी मतलब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब बात करेंगे, अभी आपने देखा ऑब्जेक्टिव क्या था, अब हम देखेंगे फंक्शंस क्या क्या हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए दोस्तों, जो आईपीजी है, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है, वो एक तरीके से लिंक के जैसे काम करता है, ठीक है, किसके किसके बीच में लिंक के तौर पे काम करता है, जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है और जो अदर जो वर्ल्ड की जो वर्ल्ड के जो दुनिया में जो देश हैं उनके जो पार्लियामेंट है, उनके बीच में एक तरीके से लिंक का काम करता है। अब देखिए, ये जो लिंक है, जो आईपीजी है, ये मेंटेन करता है किस तरीके से ये लोग डेलीगेशन का एक्सचेंज करते हैं, गुडविल मिशन एक दूसरे के साथ करते हैं, करस्पोंडेंस, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा जो है दूसरे देश के जो फॉरेन पार्लियामेंट है उनके साथ करते हैं। चलिए, अब ये जो ग्रुप जो है आईपीजी जो है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये और किस तरीके से काम करता है, ये एक नेशनल ग्रुप के तौर पर काम करता है। कहाँ पे, आईपीयू। आईपीयू क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, और एक मेन ब्रांच के तौर पर काम करता है। कहाँ पे, सीपीए। अब ये सीपीए है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों। तो अभी इस आईपीयू और सीपीए को अभी अलग से नीचे अभी हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से। चलिए आगे बात करें,
जो भी मेंबर रहते हैं पार्लियामेंट के, ये लोग क्या करते हैं, मान जब भी ये लोग विजिट, तो ये लोग किसके द्वारा, जो भी जैसे विजिटिंग जब होती है किसी दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट मतलब कि जो प्रेसिडेंट रहेगा वहाँ का, या फिर कोई जो भी गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे दूसरे देश के, तो वो लोग जो हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के साथ मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद देखिए ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं सेमिनार या सिम्पोजिया, ठीक है, किस किसके लिए, पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों के लिए, जो कि हमारे देश के साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल है उन दोनों के लिए, मतलब देश के लिए भी ज़रूरी है और विश्व के लिए भी ज़रूरी है, वर्ल्ड के लिए भी ज़रूरी है, उसको ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए जो भी मेंबर रहते हैं आईपीजी के, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, वो लोग बाहर दे जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं, ठीक दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए आगे अब बात करें, देखिए दोस्तों आईपीजी का वही मेंबर फॉरेन कंट्री के डेलीगेशन, अगर मान ली हमारे पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का अगर डेलीगेशन अगर दूसरे देश में जा रहा है अटेंड करने के लिए किसी मीटिंग को, तो वही मेंबर जाएगा जो कि उस डेलीगेशन का कम से कम 6 मंथ से, मतलब 6 महीने से मेंबर बना हो, ठीक है, वही जाएगा फॉरेन कंट्री के डेलीगेशन में, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है एक अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे भी काम करता है, ठीक है, जो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, आईपीजी के द्वारा, ठीक दोस्तों। उसके बाद देखिए हमारा एक डिसीजन आया था इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप पे, कब आया था, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, तो जब डिसीजन आया आईपीजी पे, तो एक अवार्ड जो है बनाया गया, एक अवार्ड जीत अवार्ड दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है किस पे, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन पे। अब ये कब बनाया गया था, 1995 में। अब देखिए और ये हर साल दिया जाता है, अब देखिए इसको कौन देगा, चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस साल किसको मिला है, थोड़ा गूगल करके देखिए क्या जवाब मिलता है आपको। तो देखिए ये जो कमिटी है कि जो भी अवार्ड जो कमिटी जो देगी, जो नॉमिनेशन जो देगा, जो अवार्ड जो जूरी जो होगा कौन देगा, तो उस कमिटी में टोटल 5 पर्सन रहते हैं, जो कि लोकसभा का उसमें स्पीकर रहेगा, साथ ही साथ और भी लोग रहते हैं जो कि फाइनलाइज करते हैं नॉमिनेशन को, ठीक है दोस्तों, अवार्ड के लिए। अब देखिए दोस्तों जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, ये बायलेटरल रिलेशन को भी सुधारने में मदद करता है दूसरे देशों के साथ। अब हम बात करेंगे द ग्रुप एंड आईपीयू, मतलब जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है और जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इन दोनों में किस तरीके का कनेक्शन है। तो देखिए दोस्तों जो आईपीयू है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पार्लियामेंट्स का, कई ढेर सारे देशों के पार्लियामेंट्स यहाँ पे आके मिलते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो इसमें टोटल 153 देशों के पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंटेरियन आके यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, उनका ग्रुप है ये आईपीयू। अब देखिए यूनियन है उनका, अब देखिए यहाँ पे इसका एम क्या है, ये देखिए शांति के लिए काम करता है, या फिर कॉपरेशन, जैसे कि लोगों के बीच में कॉपरेशन बन सके, ठीक है दोस्तों। और ये जो आईपीयू है, ये जो भी हमारे पार्लियामेंट है या फिर जो भी पार्लियामेंटेरियन है दूसरे देश कई देशों के दूसरे दूसरे देशों के हर एक देशों के पार्लियामेंटेरियन के बीच में कांटेक्ट कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है, कौन, आईपीयू, ठीक दोस्तों। अब देखिए ये जो आईपीयू है, मान लीजिए कोई बर्निंग इशू है जिस पे काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उन सभी चीज़ों को भी जो भी पार्लियामेंट्स हैं वर्ल्ड के उनके सामने इन सभी चीज़ों को रखता है वो, ठीक दोस्तों। तो देखिए ये जो एडवांटेज क्या है मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप इन, ठीक है, जो हमारा जो नेशनल ग्रुप है आईपीयू में, इसका क्या एडवांटेज है, तो देखिए ये हेल्प करता है इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का कि किस तरीके से और भी जो मेंबर कंट्री हैं उनके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकें हम, ठीक दोस्तों। उसका देखिए आगे बात करें, ये जो आईपीयू है ये हमको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से जो दूसरे देश हैं वर्ल्ड में वो लोग किस तरीके से अपने यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए जो भी मेंबर रहते हैं हमारे आईपीजी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, वो लोग दूसरे देशों में भी जाके मतलब दूसरे देश को भी विजिट करते हैं, विदेशों में भी, फॉरेन मतलब क्या होता है विदेश, ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज में भी जाके विजिट करते हैं। और वो किस तौर पर विजिट करते हैं,
मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस। ठीक दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करें सीपीए क्या होता है और जो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है इसका क्या रिलेशन है सीपीए के साथ में। तो देखिए जो सीपीए जो है ये है एक एसोसिएशन है 17,000 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन का। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये दूसरे देशों के, और ये 17,000 मेंबर कितने देशों के हैं, 175 नेशनल स्टेट प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल पार्लियामेंट के। ठीक दोस्तों, अब ये क्या प्रमोट करता है कि नॉलेज या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग या फिर सोशल एंड कल्चरल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, जो भी जितने भी हमारे जो 175 नेशंस हैं उनके उनको अंडरस्टैंड करने में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकें वो, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, हेल्प करता है ये कौन सा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, साथ ही साथ ये अपना पब्लिकेशन भी करता है जैसे कि न्यूज़लेटर या फर्स्ट रीडिंग हर दूसरे महीने रिलीज करता है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन को भी ये शेयर करता है कौन, सीपीए, और सीपीए का खुद का एक सेक्रेटरीट भी है। अब देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए दोस्तों दो जो सीपीए के जो ब्रांचेस हैं वो हमेशा ही जो भी जो नया मेंबर जो जाता है उसको उसका जो है और जो मेंबर रहेंगे उनके साथ इंट्रोडक्शन अरेंज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज के लिए भी काम करता है कौन, सीपीए, और ट्रैवल फैसिलिटी के लिए भी काम करता है सीपीए। तो दोस्तों ये था मेरा आईपीजी। देखिए आईपीजी चाहे पार्लियामेंट्री ग्रुप हो या फिर पार्लियामेंट्री फोरम हो, इससे मतलब आपको बस उतना कोई डीप नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से मेंबर बनते हैं, कौन इसका प्रेसिडेंट होता है। ठीक दोस्तों, कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन से हाउस से मेंबर होते हैं, और ज़्यादा उतना डीप में इतना क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर पॉलिटिक बात करूँ तो मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 40 तक सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानिए तो आपके लिए बढ़िया है, 24 हो गया, 25 है, बाकी आपके फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सभी चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, तो इन सब चैप्टर्स पे आप काफ़ी ज़्यादा जोर दीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज, ये सब चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चंस हर साल बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे कि हम मेरे जो और जो भाई बहन हैं उनकी भी मदद हो जाए और वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से जोरों शोरों से कर सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।